व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक बहुत ही स्पेशल डे है और बहुत और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनका आज 10th और 12th का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने पूरे साल बहुत एफर्ट डाले, बहुत मेहनत करी और उस मेहनत का रिजल्ट आज आपको मिला। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और कुछ बच्चों को मैं आपसे मिलवाता हूँ। धीरे धीरे हम कुछ इंटरव्यू सेशंस करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उन बच्चों के साथ जिन्होंने लाइफ में हमेशा से हार्डवर्क को आगे रखा है और आज उनकी लाइफ में वो दिन आया है जब हार्डवर्क रिफ्लेक्ट कर रहा है, सबके सामने आ रहा है। मतलब उनको बोलने की नीड नहीं है कि हमने मेहनत करी है, मेहनत बोलती है, मेहनत दिखती है। तो आई वुड रियली लव टू हैव गिनी विद अस। शी इज़ आर ऑफलाइन स्टूडेंट और वेरी हार्ड वर्किंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मेहनत दिखती है बच्चों में, इस प्रकार के बच्चे बहुत कम होते हैं, बट एक अलग लेवल की शाइन, एक अलग लेवल की इनके अंदर मैच्योरिटी होती है एंड इट रिफ्लेक्ट्स। तो लेट्स वेलकम गिनी ऑन द शो। एंड गिनी, आई वुड रियली लव अगर आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दो हमारी ऑडियंस को एक बार। First of all, thank you very much, sir. I feel really pleased and pleasurable. Like I'm sitting here with Rajat sir. He is our mentor. Like पूरे साल सर ने guide किया है and I'm feeling very happy with my results. And reactions बहुत अच्छे थे, सर के reactions बहुत अच्छे थे, in fact family के, friends के. And myself, Ginni Garg, I am from Lord Mahavira Academy and I have achieved 98% aggregate from commerce stream and that's all. By the way, I am also from Lord Mahavira और मेरे इतने नंबर कभी नहीं आए। लॉर्ड महावीरा वाले मुझे जानते भी नहीं होंगे शायद, बट मे बी शायद जानते हो, बट बच्चे हमारे इतना अच्छा स्कोर करते हैं फ्रॉम लॉर्ड महावीरा, तो इट रियली फील्स अमेजिंग। और इन ऑल मैं आपको बताता हूँ, एग्रीगेट शी हैज स्कोर 98% मार्क्स और दिस इज जस्ट अमेजिंग। 2% मार्क्स कम रह जाते हैं बट दिस इज यू नो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं और मैं पर्सनली अपनी लाइफ में भी कभी इतने मार्क्स नहीं लेके आया हूँ, बट बच्चे लेके आते हैं तो इट फील्स वेरी 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 गुड। तो गिनी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? मतलब सुबह जब आपने देखा, yes, आपको sir. पता था कि आज रिजल्ट आ रहा है? यस सर। कैसे स्टेटस से पता? अच्छा, स्टेटस से पता लग गया था कि आज रिजल्ट आ रहा है। यस सर। तो उसके बाद आपने कहाँ पे ओपन करा रिजल्ट? वेबसाइट पे? सर, वेबसाइट पे सीबीएसई की खुल गई एक ही बारी में। चलो, फर्स्ट टाइम पे खुल गई। तो उस टाइम पे फैमिली साथ में थी, कहाँ थी? यस सर, साथ में थी, मम्मी साथ में थी। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे मार्क्स है एंड ऐसे ही मेहनत करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में एंड हमेशा मोटिवेटेड रहो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लाइक आई वॉज थोड़ा अपसेट कि अकाउंट्स में एक नंबर कट गया, लेकिन शी सेड कि नहीं, कोई बात नहीं, ये लाइफ का पार्ट है और एक आधे नंबर से कुछ नहीं होता। 99 मार्क्स इन अकाउंट्स, हम आएंगे उस चीज पे। एक मार्क पे भी देखो कितना प्रॉब्लम, मतलब तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, एक नंबर पे भी परेशानी है। हमारे इतने नंबर आते तो हम कितना खुश होते। अच्छा, फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा? यस सर, सबके कॉल्स आए, रिलेटिव्स के और फ्रेंड्स बहुत खुश थे, फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया, सबके मैसेजेस आए एंड एकदम से स्कूल से भी काफी सारे कॉल्स रिसीव हुए, टीचर्स के सब बहुत खुश थे। स्कूल ने बुलाया था स्पेसिफिकली? yes, स्कूल ने बुलाया फोटोग्राफ्स लेकर के और वहाँ पे सबने अलग से इंडिविजुअली फोटोग्राफ्स ली हर टीचर ने। दिस इज द फीलिंग गाइस, दिस इज द फीलिंग जिसके लिए हर कोई तरसता है। मतलब हमारे स्कूल से हमेशा कंप्लेंट्स के लिए कॉल आते थे और इनके स्कूल से अप्रिसिएशन के लिए कॉल आ रहा है कि यार क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सो दैट मैं भूल ना जाऊं, तो मैं देखूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि व्हाट वाज द स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस प्रिपरेशन? आपको पता था कि आपको 98% लेने हैं, या पहले गोल क्या था, गोल क्या रखा था आपने? सर, मेरा गोल था 99% अचीव, 99% की प्लानिंग हुई थी। प्लानिंग हुई थी, ठीक है सर, क्योंकि प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, बिजनेस में हम पढ़ चुके हैं। 99% का आपने प्लान करा? यस सर। उसके बाद सर पूरी स्ट्रेटजी बनानी होती है, लाइक आप कैसे पढ़ोगे, रोज आपको कितने आवर्स देने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, लाइक अकाउंट्स, बिजनेस, तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्टार्टिंग से। तो पूरी स्ट्रेटजी मेंटेन करके रखनी होती है। प्लानिंग करना आसान है लेकिन उसको फिर फॉलो करना, दैट इज समथिंग रियली डिफिकल्ट। तो कई बार होता है कि नहीं हो पाते हैं गोल्स अचीव, डेली प्लान्स, टू डू लिस्ट आप बनाते हो, रेडी करते हो अपनी, लेकिन कोशिश करती थी मैं कि 90% टू डू लिस्ट का मैं अचीव कर पाऊँ डेली। एंड क्लासेस रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल की क्लासेस हो, दैट आर ऑल्सो रियली प्रोडक्टिव। एंड सर, आपकी क्लासेस तो एज ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव, लाइक फुल ऑफ मोटिवेशन एंड लाइक
बहुत सारा मतलब मटेरियल वहाँ से मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है लाइक, एंड बस यही सब किया सर, कंसिस्टेंसी के साथ किया एंड इट वाज रियली इजी देन। तो अब 99% का हमारा एम था, यस सर, और हम 98% ला पाए, yes, तो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हुआ कि 1% कम रह गया। हुआ था, लेकिन देयर वर पीपल, टीचर्स लाइक यू एंड फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला यार नहीं बहुत अच्छा है, इतने में 3 बच्चे पास हो जाते हैं। डेफिनेटली, मतलब दिस इज लाइक अ ड्रीम फॉर मिलियंस, मतलब लोग ये चीज, मैं अपनी बात करूं, मैं 12th में इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतने मार्क्स भी आ जाते होंगे शायद, कि द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क यू हैव गिवन, जितना आपने मेहनत करी है, जितने एफर्ट्स डाले हैं, तो दैट इज रियली कमेंडेबल। और सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो अकाउंट्स में यू स्कोर्ड 99, यस सर, अकाउंट्स में 99, बिजनेस स्टडीज 97 इन BST, इकोनॉमिक्स 98, English 98 और fifth subject Hindi core उसमें 96 मतलब सभी subjects में 95+, yes, तो ये भी बहुत ही जबरदस्त चीज है, yes, तो सबसे ज्यादा खुशी किसकी हुई, सबसे पहले कौन से 99 दिखाई दिया होगा सबसे, सबसे पहले accounts दिखा 99 उसके पास, उसके बाद मैंने देखा English वो 98 था, एंड दैट वाज आल्सो मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतने मैं स्कोर कर पाऊंगी इंग्लिश में, लाइक इंग्लिश का एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट आई वॉज हैप्पी आफ्टर सीइंग माई मार्क्स इन इंग्लिश एंड स्पेशली इन अकाउंट्स। बहुत बहुत अमेजिंग, और टर्म वन का जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसने थोड़ा सा बच्चों को डिमोटिवेट किया था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। अच्छा सब, अभी हम सब्जेक्ट वाइज की बात करेंगे, बट बिफोर दैट एक छोटी सी चीज कि आपने जो कहा अभी इनिशियली कि एक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने जो प्लानिंग करी वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे करी, लाइक अप्रैल 1st से जब से आप 12th में आए थे, आप तब से उसी डेडिकेशन मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे थे, या वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हुआ कि करना है, या 1st अप्रैल से 31st मार्च तक जब तक एग्जाम नहीं हुआ बस पढ़ते रहे नॉनस्टॉप? नहीं सर, मोटिवेशन और पूरा डेडिकेशन तो फर्स्ट डे से रहता है, लाइक जब पहले दिन क्लास हुई तो उसमें यही था कि आपने जो चीज़ें बताई, आपने मोटिवेट किया कि नहीं पिछले बैच ने ऐसा स्कोर किया है, तुम लोगों को भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो वहाँ पे फर्स्ट पेज पे आई रोट डाउन कि नहीं यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 99%, वहाँ पे मैंने लिखा, एंड उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग करी, डाउन फेज आया बीच में, नहीं हो पाता, कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन हाँ फिर से आपको यू हैव टू ग्रो अप अगेन, यू हैव टू राइज अगेन, एंड बस होता चला गया। यस सर, और वैसे भी शी इज हैबिचुअल ऑफ द सक्सेस, 10th में भी शी हैज स्कोर्ड 97 98% मतलब सेम 10th टू 12th में शी इज सेम, मतलब कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, बट दिस इज रियली अमेजिंग। और जितना ज़्यादा हम अप्रिशिएट करें, और जितने भी बच्चे हमारे, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है, तो इवन आई रियली वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू ऑल, मार्क्स कम ज़्यादा दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, चलता है, बट वट एवर यू डिड, जितना आपने पूरे साल का मेहनत करा है उसका रिवॉर्ड आपको आज दिख रहा है, ऐसा है, मतलब कि 98% कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चूरन आता हो कि खा लो और आ जाए 98%। सर डेली हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको, डेली आपको बुक्स लेके बैठनी है, आपको वो टाइम देना है, अगर आपने सोचा है कि आज मुझे ये टारगेट्स करने हैं तो यू हैव टू डू दैट, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे फिर रात के 12 बजे या सुबह के 4 बजे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मैं एक ही चीज़ मानती हूँ जो मेरा सक्सेस मंत्र रहा है, गेस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है, HCF, दैट इज, तो दैट इज योर हार्ड वर्क, H for hard work, and C for your consistency, and F for is your focus. आपको focus के साथ रोज consistently आपको hard work के साथ पढ़ाई करनी होती है. Hard work, consistency and focus. Point note down करना है आपको ये. Hard work, consistency and focus is the key. अच्छा एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, लेट नाइट, कुछ अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, तो आप नाइट आउल हो या फिर आप अर्ली राइजर हो, आपका क्या? सर मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, इनिशियल डेज में जब 12th स्टार्ट हुई तो आई वाज अ मॉर्निंग पर्सन, यस सर, लेकिन सर एग्जाम आते हैं तो आपको लेट नाइट भी स्टडी करना होता है, तो कुछ ऐसा हम लोग टाइम फिट करते थे कि भाई हमने एक टाइम फिक्स कर लिया कि हम 4 घंटे रोज पढ़ेंगे या 5 घंटे या 6 घंटे, मतलब टाइम बेस्ड स्टडी या टारगेट बेस्ड स्टडी? सर टारगेट बेस्ड स्टडी, टारगेट बेस्ड स्टडी, ऐसे भी दिन आए कि 1 घंटे में काम हो गया, और ऐसे भी दिन आए कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, होमवर्क आपको कंप्लीट करना पड़ता है, अगर आप होमवर्क भी कंप्लीट करते हो कंसिस्टेंसी से, जो आप क्लासेस में देते हो या स्कूल का होमवर्क भी होता है, तो वो इनफ रहता है, उससे आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है एंड टॉपिक्स एकदम रेडी हो जाते हैं डेली। यस सर। अच्छा अकाउंट्स में हम आते हैं, सबसे पहले अकाउंट्स पे आते हैं, 99
और मार्क्स, वही बात है ना, मैं मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो चीजें हैं वो है। मार्क्स बोल रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हार्डवर्क आपने डाला है, और मैं मानता हूँ कि 99 और 100 में कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, ऑल दो वन मार्क, बट कई बार हम अकाउंट जैसा सब्जेक्ट है माइनर मिस्टेक पे भी एक नंबर चला जाता है, तो अप्रिशिएबल है ये चीज। बट मेन बात कि 99 में अकाउंट्स में मेजर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें दो दो किताबें करनी है, तीन किताब करनी है, चार किताब करनी है, कुछ ऐसा होता है, या हम कोई भी एक बुक जिसपे भी हम ट्रस्ट करते हैं, मतलब देर आर न्यूमरस ऑथर्स इन द मार्केट, बट जिन पे भी हम ट्रस्ट करते हैं, अगर हम एक किताब लेके चलें उससे हम 100 स्कोर कर सकते हैं। Obviously, आपको एक बुक उठानी है स्टार्टिंग से एंड आपको उसी को फॉलो करना है आपके डे ऑफ एग्जामिनेशन तक, आपको उसी को पढ़ना है अच्छे से, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार पढ़ें, लेकिन उसी को इतना पक्का कर लें कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी पेज ना छूटे, चाहे फिर वो थियोरी हो, चाहे फिर वो प्रैक्टिकल हो, एडिशनल क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको इलस्ट्रेशन सारे करने हैं एंड आपको अनसॉल्व सब करना है, तो एक बुक करना इज़ बेटर आई गेस। बोलते भी हैं कि 100 किक्स प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि एक किक को आप परफेक्टली कुछ सिलेबस का ऐसा है कि साल में कितनी बार करना है या कितने रिविजन होने चाहिए, लाइक कि एक बार रिविजन से चलेगा या दो रिविजन चाहिए या तीन रिविजन चाहिए? दो रिविजन आपको करना चाहिए, देन उसके बाद टेस्ट सीरीज, दो रिविजन और एक साइमल्टेनियसली अपना टेस्ट। सिर्फ डिपेंडेंट मत रहो कि स्कूल टेस्ट लेंगे या फिर कोचिंग्स में, आप खुद से भी घर पे बैठ के सेल्फ डिसिप्लिन हो करके आप सैंपल पेपर्स को लगाओ। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए हो और उसके बाद हमने इंप्रूव करा या उस चीज, ऐसा होता है? यस सर, एंड टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो उससे और मोटिवेशन मिलता है कि कम मार्क्स आए, आपको पता लगता है खुद को कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे रही है, तो आप उसी चीज को और परफेक्टली और अच्छे से करते हो, बार बार उसको पढ़ते हो, तो वो चीज और माइंड में सेट हो जाती है। अगर आपको कोई तीन चीज बतानी हो कि अकाउंट्स में अगर 99 लाने हैं तो ये तीन चीज करनी है और इस तरीके से करनी है, तो सबसे पहली क्या होगी? सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है जो क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट सबसे पहले, तो यस सर, फिर उसको रिवाइज करना है, रिवीजन, बस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके कि आप होमवर्क डेली करते हो, अपने टारगेट्स पूरे करते हो एंड टेस्ट लगाते हो, सबसे इम्पोर्टेंटली आपको पता लगता है, आप देख पाते हो, एनालिसिस कर पाते हो कि आपको कितना आया है। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, तो तीन चीजें हैं, सबसे पहले टाइमली सिलेबस कंप्लीशन, देन रिवीजन एंड देन सेल्फ इवैल्यूएशन। ये तीन चीजें हैं जो आपको लगता है बेस्ट है। अकाउंटेंसी में कुछ स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन टिप्स, लाइक कुछ ऐसा जिस चीज का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि नंबर ना कटे? प्रेजेंटेशन आप अच्छे से सारे फॉर्मेट्स बनाओ, और आप जब प्रैक्टिस करते हो डेली में भी तो अपनी नोटबुक में भी हर फॉर्मेट को बना के तब आप अकाउंट्स करें, तो वो बेटर रहेगा, आपको एक हैबिट हो जाती है, आप एग्जाम में भी फिर वैसे ही करते हो, तो दैट इज द ओनली टिप। नरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एंड आप जैसे हम लोग करते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं कि नरेशंस नहीं लिखते हैं टेस्ट में एंड ऑल, तो वो हैबिट एक पड़ जाते हैं, तो नरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, एंड हर चीज का, छोटी छोटी चीजें लाइक अकाउंट के ऊपर डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, तो फॉर्मेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है लाइक आपके पास 6 मार्क में बड़ा क्वेश्चन आया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ या बैलेंस शीट बनाओ, तो उसमें जर्नल एंट्रीज भी करी थी आपने, कि जर्नल भी करी कोई एक आधी, या बस सिर्फ अकाउंट्स बनाए थे? सिर्फ अकाउंट्स बनाए थे, जर्नल एंट्री नहीं करी किसी भी चीज की। मतलब जितना क्वेश्चन बोल रहा है आपको टू द पॉइंट उतना ही करना है। यस सर। वर्किंग नोट्स कुछ स्पेसिफिकली बनाने होते हैं या अपनी लैंग्वेज में भी चलते हैं? नहीं सर, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग नोट्स आपको बनाने होते हैं, पूरा नीटली उसको प्रेजेंट करना होता है, तो उसके मार्क्स होते हैं अलग से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टाइम पे पूरा हो जाता है अकाउंट्स का पेपर? यस सर, टाइम से पहले हो जाता है। मतलब सम टाइम्स ऐसा लगता है कि 80 मार्क का पेपर होगा, आपके तो 40-40 दो बार में हुए, बट स्टिल 40 मार्क के हिसाब से भी 2 घंटे थे, टाइम उसी हिसाब से कम किया गया था, तो 80 मार्क का अगर पेपर है और 3 आवर्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ स्पीड के लिए कुछ टिप्स हैं या बस प्रैक्टिस ही है कि पूरे साल प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, आप कैलकुलेशंस वैसे करने लगते हो, आपको हर चीज के लिए पेन की नीड नहीं होती, आप माइंड में वो कैलकुलेशंस करने लगते हो, तो हो जाता है इजीली, बस वही है कि आप डेली प्रैक्टिस करें, होमवर्क करें, कंसिस्टेंसी से सब करें, हो जाए। तो अकाउंटेंसी में यही मूल मंत्र है मेन, जिससे आप स्कोर कर सकते हो। थ्योरी सब्जेक्ट्स पे आए, अगर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अगर स्पेसिफिकली बीएसटी की बात कर लेते हैं पहले, तो बीएसटी में कुछ ऐसा, मतलब बीएसटी में यूज कोड 97 तीन नंबर आपके कटे टर्म वन में, आपका बीएसटी का आउट ऑफ 40 कितने थे? 40 out of 40 ऑन 40 इन टर्म वन, तो मतलब टर्म टू में कहीं हमारे से मिस्टेक्स हो गई, जिस वजह से मार्क्स हमारे थोड़े से कम रह गए, बट अभी
मोर ओवर कम नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल हमें ऐसा क्या लगता है कि क्या कमी हो सकती है जिस वजह से हमारे शायद कहीं डिडक्ट हुए हों, या कुछ ऐसा लगा आपको? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं एक्चुअली पेपर देखे आने के बाद, मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पे जो मैंने एनसीईआरटी से हटकर चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे आई गेस कि मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम आई है, गॉट कन्फ्यूज इन एग्जामिनेशन, तो एनसीईआरटी पे ही स्टिक करना इज़ द सोल्यूशन, वहाँ पे मैंने गलती की है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, एनसीईआरटी को ही अच्छे से बार बार पढ़ें एग्जाम से पहले, या आप चाहे टेस्ट के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी। बीएसटी में एनसीईआरटी ही एक बुक है जिस जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। यस सर। अब एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो डिलीटेड हैं या फिर जो पूछे ही नहीं जाते हैं, उसको भी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है एज पर सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस रीड करो पूरा, उसके अकॉर्डिंगली मार्क करो एनसीईआरटी में कि क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एंड देन आप उसको रीड करें, और बार बार आप की पॉइंट्स बहुत मेन होते हैं बीएसटी में, तो उनको आप अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, उनको बार बार रीड करें। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और बीएसटी को हम लाइन टू लाइन लर्न करें एनसीईआरटी में, आपने लर्न किया था या अपनी लैंग्वेज यूज करी? सर की पॉइंट्स लर्न किए थे एंड देन अपनी लैंग्वेज में लिखा। अब लाइक जैसे आपका टर्म 1 40 मार्क्स का एमसीक्यू था। यस सर। अभी भी 80 मार्क का अगर पेपर है तो 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज ही आने हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही आने हैं, तो उसके लिए आपको ऐसा लगा कि इतना कुछ है, कौन से एमसीक्यू पढ़े, कौन सा ना पढ़े, कहाँ से आ जाए, कभी कंफ्यूजन ऐसा लगा? नो सर, स्टार्टिंग में लगा जब सुना कि फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसे एमसीक्यू पैटर्न हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब बुक्स उठाई कुछ ऑथर्स की, स्पेसिफिकली एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं तो उनमें फिर देखे एमसीक्यूज, तो लगा कि एनसीईआरटी रीड करके की पॉइंट्स ही उनमें आपको मिल जाते हैं, सारे एज लाइंस भी कई बार आपको मिल रही हैं। यस सर। रीजन असर्शन देख के कुछ लगा था न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस? नहीं सर, उसके लिए आपने बताया था कि असर्शन पढ़ो, बिकॉज लगाओ, देन रीजन को रीड आउट करो, फिर आपको लगता है तो देन बेस्ट ऑप्शन जो लगता है। इस बार भी रीजन असर्शन आएंगे बच्चों के लिए, तो एनी स्पेसिफिक एडवाइस की उनको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस, मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट जो यूजुअली बुक्स में कम है, या थोड़ा सा उसको देख के डर लगता है कि शायद ये मार्क्स डिडक्ट करवा दे, तो उस पर कुछ स्पेसिफिक ध्यान देना है या नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं? सर पढ़ना तो वैसे ही है, लेकिन assertion और reasoning को देख के घबराना नहीं है, थोड़ी practice ज्यादा चाहिए, practice ज्यादा चाहिए। उसमें आपको concepts कितने clear है, like एक line आपको दे दी है, होगी वो एनसीईआरटी से, लेकिन आपको उसके ऊपर का पैराग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए और नीचे का भी, तो वो वहीं से कोरिलेशन बनता है उनका और वहीं से आप वो चीज पकड़ लेते हो। ठीक है, तो बीएसटी में बेसिक आप एनसीईआरटी पे स्टिक करो। यस सर। की पॉइंट्स आप लर्न करो। केस स्टडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेक्निक जो आपने यूज करी हो या कुछ ऐसा, या वो भी एनसीईआरटी पढ़ो? सब एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी पढ़ो तो हो जाता है। अब जैसे एनसीईआरटी में हमारे पास केस स्टडीज नहीं है या बहुत कम केस स्टडीज है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपने कोई स्पेसिफिक बुक करी थी अलग से, या किसी भी एक ऑथर की बुक, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, सर कोई भी बुक आप ले सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बीएसटी की मेरी भी बुक है इस बार। यस सर, बीएसटी की बुक भी है, तो आप वो भी देखो, उसमें वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, आप वो भी देख सकते हो। अच्छा, बीएसटी में और कुछ स्पेसिफिक जो आप बताना चाहते हो, कुछ जो बताना हो जो इम्पोर्टेंट हो, कुछ रह गया हो? सर यही कि आप एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीडिंग ले सकते हो, दो से तीन बार एनसीईआरटी। और की पॉइंट्स आप एक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर पाओगे, तो आप की पॉइंट्स लिखें, उससे आपको केस स्टडी में भी हेल्प मिलेगी, वही डायरेक्ट की पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। सही है। बीएसटी में मतलब मेजर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही कि हम लोगों ने पहले सिलेबस टाइमली। अच्छा, बीएसटी रोज पढ़ने की नीड है? बीएसटी ऑल्टरनेट डेज पे आप पढ़ सकते हैं। ऑल्टरनेटिव डेज पे मतलब अगर मेरे पास अकाउंट्स और मैथ्स भी है तो मैं अकाउंट्स मैथ्स डेली लेके चल सकता हूं। यस सर। और एक दिन बीएसटी एक दिन इको, एक दिन बीएसटी एक दिन इको। यस सर। इकोनॉमिक्स में इंडियन इको में सेम सिचुएशन? इंडियन इको में एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट, सेम वही थ्योरी। मैक्रो में कुछ अलग जैसे कर्व्स हैं, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हैं, ADAS थोड़ा सा वो समझने वाला कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमें भी। यस सर। तो वैसा कुछ बोर्ड्स में भी आता है कई बार, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक हम भी डिस्कस कर रहे थे, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेम क्वेश्चन एक बुक में कुछ और आंसर है, सेम क्वेश्चन दूसरी बुक में कुछ और आंसर है, और अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग ओपिनियंस हैं। यस सर। तो वैसी सब्जेक्टिव चीजें क्या बोर्ड्स में पूछी गई? नहीं सर, ऐसी क्वेश्चंस ऐसे जो कॉन्ट्रडिक्टरी जिनके आंसर्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं जनरली वो लोग पूछते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो हर टीचर स्कूल में भी बताते हैं वही, वो उन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं कहीं ना कहीं। इकोनॉमिक्स में और मैक्रो में आपने पूछा कर्व्स के लिए, तो वही प्रैक्टिस आप उनकी करो, बार बार उनको ड्रॉ करके देखो, उनके की पॉइंट्स लिखो, साथ में बुक रीडिंग करो, एंड देन सब्जेक्टिव जैसे इस बार एग्जाम होने वाला है तो फिर रीडिंग करो एंड देन यू कैन राइट द आंसर्स।
अगर आपको लगे कि मुझे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो प्रिपरेशन में लगा, अकाउंट्स, बीएसटी, को, इंग्लिश, हिंदी, सबसे मुश्किल कौन सा लगा? सर मुझे हिंदी लगा. हिंदी सबसे मुश्किल? हाँ, लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना करना. राइट. अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक में बहुत सारा डेटा है, सारा रट लिया था आपने या नहीं किया था? सर जो मेजर था वही लर्न किया. मेजर लर्न करने की जरूरत है? एज इट इज हमें पूरा याद करने की जरूरत नहीं है. वो तो टेबल्स देते हैं बुक से, एज इट इज उनको एनालिसिस करके आपको बस लिखना होता है वहां पे. मतलब आपको रटना नहीं है. नो सर, वहीं पे मिलेगा डेटा, डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए कि आप क्या समझ पा रहे हो चीजों से. तो अकाउंटेंसी में भी बढ़िया रहा, इको में, बीएसटी में. लैंग्वेज पे आ जाए थोड़ा सा, हिंदी इंग्लिश की हम लोग बात कर रहे थे, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको अभी तक सब ऐसा मानते थे कि पेपर से दो दिन पहले पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बट टर्म वन ने एक ऐसा लेसन दिया जिसमें सबको लगा कि यार नहीं, इंग्लिश भी अब हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. तो इंग्लिश का, इंग्लिश के साथ कैसा आपका रिश्ता रहा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इंग्लिश के साथ कैसे रही चीजें? इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली यूट्यूब से सब पढ़ा है एंड एनसीईआरटी फॉलो किया है, देन मल्टीपल बुक्स से एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है. टर्म वन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप उसको कैसे समझते हो, तो उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो कहीं ना कहीं हम ट्वेल्थ में बोर्ड के प्रेशर में रीडिंग को, नॉवल्स को, ये सबको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हो, आप करते हो, तो शायद आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाती है. एंड बस यही कि आप प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू करो. पोएम्स होती हैं, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में इनफैक्ट की पॉइंट्स आप नोट करो आंसर राइटिंग के लिए भी, क्योंकि सीबीएसई में जो चेकिंग होती है एनसीईआरटी के की पॉइंट्स से ही होती है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं. मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, यूट्यूब पे हमारे पास इतने टैलेंटेड टीचर्स हैं, इतने टैलेंटेड फैकल्टीज हैं जो सब कुछ ही करा देते हैं. अगर आप करो तो डेफिनेटली आप इंग्लिश भी बहुत अच्छा कर सकते हो. थोड़ा सा आप चैलेंजिंग हो गया है, लाइक जैसा आपके वाले सेशन में जो एक थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाया गया, तो इस साल से आई थिंक बच्चों को थोड़ा और इंग्लिश पे ध्यान देने की जरूरत है इफ दे रियली वांट टू स्कोर वेल, कि इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा. कुछ स्पेसिफिक ऐसा सिर्फ एनसीईआरटीज या कुछ अदर बुक्स भी फॉलो करनी पड़ती है? कुछ साइड बुक्स ली थी आपने? यस सर, मैंने कुछ साइड बुक्स फॉलो करनी पड़ती है. कुछ भी, आप कोई भी साइड बुक देख सकते हो, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो. सेम केस विद हिंदी? Yes, sir. Same case with Hindi. Yes, sir. चलो, so this was all about guys academics, कि academics में किस तरीके से accounts, BST, economics, English, Hindi, ये सब एक experience रहा, ये सब एक reviews रहा. अगर हमें overall इस journey को from 11th to 12th rate करना हो, तो there were times जब हम motivated भी feel करते हैं, there were times जब हम demotivated भी feel करते हैं. तो इसका I think कहीं पे भी रुकना solution नहीं है. रुकना solution नहीं है. आप सोचो कि आपने प्लानिंग की थी, आपका गोल क्या था. जब आपके दिमाग में वो गोल रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप उठोगे, फिर से काम करना शुरू करोगे, वो ग्राइंड मोड कभी नहीं जाएगा. गोल से नहीं भटकना, वो चीज आपके एम हमेशा आपकी नजर के सामने रहना चाहिए कि व्हाई आई स्टार्टेड, शुरुआत क्यों करी थी, क्या सोच के शुरू किया था. तो जो शुरू किया था उसको पूरा जरूर करना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी आफ्टर ट्वेल्थ हमारा विजन, गोल्स क्लियर है, क्या सोचा है, क्या करना है, क्या क्या बनना है, कुछ किधर जाना है. टारगेट ग्रेजुएशन? सर बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस. मतलब हम कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है जो एम कर रहे हैं? या दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू हम एम कर रहे हैं. यस सर. अच्छा, एक क्वेश्चन डीयू से आता है. अब जैसा डीयू हो या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसमें जाने के लिए सीयूईटी का एग्जाम आ गया है एज पर आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो सीयूईटी एग्जाम और ट्वेल्थ एग्जाम, क्या इनका कोई कोरिलेशन है या दीज बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट, कि सीयूईटी की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, ट्वेल्थ की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है? या अगर हम ट्वेल्थ को ही बहुत अच्छे से करते हैं, लाइक एक टेरर था आपका सीयूईटी हो गया आई गेस, तो हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं. एक बच्चों के माइंड में टेरर था कि सीयूईटी में पता नहीं क्या पूछ लेंगे, या हमारे से कुछ बाहर आ जाएगा, कुछ अलग आ जाएगा. बहुत सारे वीडियोस बने यूट्यूब पे कि अलग ही लेवल का होगा, कुछ होगा, तो ऐसा कुछ हुआ या व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? सर सीयूईटी का जो लेवल था मॉडरेट था, एंड ऐसा नहीं है कि आप ट्वेल्थ में नहीं पढ़ोगे तो सीयूईटी कर लोगे. आपको क्योंकि डोमेन के लिए वहाँ पे अपेयर होना है, तो उसके लिए आपके ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड सीबीटी में करना, उसको 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करना, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए होती है. चैलेंजिंग टास्क है बहुत ज़्यादा. एंड उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स
बहुत क्लियर होने चाहिए, वहाँ पे एलिमिनेशन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम सेव आपको करना ही पड़ेगा, एंड क्योंकि 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस रीड करने हैं और 40 अटेम्प्ट भी करने हैं फिर. तो ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं, इंग्लिश हो, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट्स. आप जिस भी स्ट्रीम में जा रहे हो मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा. तो फर्स्ट डे से ही मतलब बच्चे जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं उनमें जो वन मार्कर्स दिए हैं उसको भी उतने ही सिंसियरिटी के साथ करें सो दैट सीयूईटी भी अच्छे से हो पाए. तो विजन हमारा क्लियर है. अच्छा इम्पोर्टेंस ऑफ विजन क्या है कि करियर आपने ट्वेल्थ के बाद सोचा या पहले से सोचा हुआ था, 11th 12th से सोचा हुआ है कि ए मैं करना है तो यही करना है तो नहीं करना. सर 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद पहले मैंने सोचा कि मैं मुझे सीए करना है, लेकिन देन ग्रेजुअली यूपीएससी की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन होता गया. मुझे लगा कि नहीं सीए डेस्क जॉब एंड मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहा उस चीज़. अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि आप कोई चीज, आप हर चीज के लिए नहीं बने ना, आप कोई चीज अलग है, आपका इंटरेस्ट सेपरेट है और हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है. तो सीए में आपका मन नहीं लगा? यस सर. आपने कहा सीए इज नॉट माय कप ऑफ टी, सीए नहीं, हम कुछ और करते हैं, कुछ डिफरेंट करेंगे. और तो हमारा विजन है कि हमें यूपीएससी की तरफ जाना है. तो यूपीएससी के लिए आपने सारा रिसर्च वर्क कर लिया, सब कर लिया. तो भी अभी आप सभी भी विशेष दो अपनी बेस्ट गिनी होगी वो यूपीएससी का एग्जाम अच्छे से क्लियर करें. इवन बहुत मेहनत लगेगी इसमें भी, जो इमेंस हार्डवर्क आपने 11th 12th में लगाया है वही लेवल का हार्डवर्क और हो सकता है उससे भी ज्यादा लेवल का हार्डवर्क आपको देना पड़े. बट वी रियली विश कि आप जल्दी से वो एग्जाम भी ऐसे ही आसानी से क्लियर कर जाओगे जैसे आपने ये सब करा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो लेवल ऑफ एग्जाम है जो बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ आपका मेच्योरिटी लेवल भी बहुत बढ़ रहा है, आपका एज बढ़ रहा है, आप चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. ऑल्दो मैं अभी इस वीडियो से पहले भी बात कर रहा था तो मैं यही बता रहा था कि ऐसे टाइम आएंगे जहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि यार मैं गलत तो नहीं, मेरा डिसीजन है या मैंने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया, या डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं हमारी लाइफ में, समटाइम्स वी फील अलोन कि यार कोई है ही नहीं, साथ में नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है. क्योंकि ट्वेल्थ के बाद स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि सब बच्चे अपने 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 करियर की तरफ निकल जाते हैं. yes, sir. तो वहाँ पे आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार हमारा फ्रेंड सर्कल भी कट डाउन हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, सबका अपना अपना विजन है, आपका कुछ विजन है. कई बार हमारे पेरेंट्स हमें लगता है कि हमें नहीं समझ पा रहे, ऑल्दो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, बट इंटरनली हमें ऐसा कभी कभी लगता है. तो वो सारी चीजें होंगी, बट उससे कभी भी डिमोटिवेटेड हमें नहीं रहना है. हमें हमेशा अपना विजन, वही वाली बात अभी आपने कही उसी को मैं रिपीट करूंगा कि why you started, वो विजन, वो गोल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए. तो हमारा करियर ऑब्वियसली एक अच्छा बनेगा. तो आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आर व्यूअर्स आई रियली विश एंड आई रियली प्रे कि हम सब बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में. सभी बच्चे हमारे जितने भी हैं, आप तो डेफिनेटली करोगे ही करोगे, अच्छा कर रहे हो, सारी गुड विशेस आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए. एंड आपने अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट क्रिएट करा है और आप एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो आज उन सभी बच्चों के लिए जो अभी करंट ट्वेल्थ कर रहे हैं या अभी जो 11th में है. तो यू आर लाइक एग्जाम्पल, यू आर लाइक एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वो सभी बच्चे जो देख रहे हैं. एंड आई रियली विश कि आप सभी और अच्छा स्कोर करो, 98, 99, 100 लाइन लगा दो मार्क्स की, कि मेरे को इंटरव्यू के लिए 24 घंटे और कम से कम 48-50 हमें पॉडकास्ट करने हो तो इतना कम टाइम रह जाए. बट रियली अप्रिशिएट द वर्क यू डिड फ्रॉम द लास्ट 2 years एंड वंस अगेन अ वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज अमेजिंग. कंक्लूजन पे आप कुछ फाइनल कुछ चीजें बताना चाहोगे, कुछ फाइनल वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम, क्योंकि अब आप इस पोजिशन पे आप बोल सकते हो यू हैव अचीव्ड इट. पहले कोई बोले ना तो उसको लगा यार खुद तो कर लो पहले, है ना, यू हैव डन इट. तो कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ फाइनल टिप्स, कुछ ऐसी चीज कंक्लूजन में आप देना चाहोगे कि ये चीजें हैं तो सब अच्छा हो जाएगा, कुछ ऐसा अपने जूनियर्स को, अपने छोटे, आपसे सारे छोटे हैं, तो उनको क्या कहोगे कि कैसे मतलब किस तरीके से करें, क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या प्लानिंग रखें कि उनका सब स्मूथली चले और कभी वो डिमोटिवेटेड फील ना करें और बहुत अच्छा आप ही की तरह स्कोर करें और बढ़िया स्कोर करें. सबसे पहले तो मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि जो अपकमिंग 12th का सेशन रहेगा, सभी को बेस्ट विशेस. एंड आप सभी अपना टारगेट सेट करिए, उसको डेली देखिए, उसके बारे में सोचिए, देन आप हार्डवर्क ज़रूर करेंगे, परफेक्टली करेंगे इंस्टेड. एंड आपको घबराना नहीं है, मेहनत करते जाना है, क्योंकि अगर आप कान्हा जी कहते हैं कि आप फल की चिंता मत कीजिए, कर्म कीजिए, तो आपको बस वही हार्डवर्क करते जाना है एंड रिजल्ट आपके सामने होंगे, फ्रूटफुल भी होंगे. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा
और अमेजिंग सेशन रहा. तो इट इज इंडीड अमेजिंग हैविंग यू ऑन द शो, और बहुत बहुत मजा आया. और होपफुली आपने बहुत सारे यंग माइंड्स को इंस्पायर किया है आज टू डू वेल, और आपने भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया है उनकी लाइफ में कि उनको एक मोटिवेशन मिला, एक इंस्पिरेशन मिला. क्योंकि हम लोग तो ऐसे है ना, रोज सामने दिखते हैं, तो हमारे लिए हमारी बात तो नॉर्मल है, बट आपने अभी रिसेंटली ये चीज अचीव करी है, तो यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन मोटिवेशन टू ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ देम. तो वी विश यू वंस अगेन फ्रॉम एंटायर यूट्यूब फ्रेटर्निटी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंटायर जर्नी, और आपका आगे ऐसे ही करियर बहुत अच्छा रहे, बढ़ता रहे, और आप जल्दी जल्दी से अपना एम विजन यूपीएससी जल्दी से क्लियर करो और अच्छे अच्छे रैंक्स पे पोस्टेड हो, और हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए करो. मोर इम्पॉर्टेंट, हमारे देश का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए हमें बहुत कुछ करना है, और हम एज अ यूथ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ेंगे, और आने वाले कुछ सालों में विल बी द बिगेस्ट सुपर पावर, हम सबको पीछे छोड़ देंगे डेफिनेटली. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. और एक चीज़ और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और आपको पूछना है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में चीज़ें अपने सवाल पूछ सकते हो. आप एक बार कॉमेंट चेक जरूर करना और सभी को जवाब देना. कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप पूछो और आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा. तो ऑल द बेस्ट टू यू टू एज वेल, आप सभी को भी बहुत सारी गुड विशेज, और अब आपकी बारी है, आपको करना है, और फिर इसी तरीके से हम नई नई चीजें आपके लिए लाते रहेंगे. टिल देन टेक केयर, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, बाय बाय.